हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो फ्रेंड्स आप? फ्रेंड्स आज मैं आपको आम का अचार बनाना बताऊंगी, क्योंकि आजकल आम का सीजन चला हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम भी अपने खेतों में पेड़ों से आम लेकर आए हुए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने बड़े बड़े आम हैं। तो अब मैं इन आम को धो रही हूँ। फिर धोने के बाद फ्रेंड्स हम इन आम को इस तरह, ये जो इसका छिलका थोड़ा सा इस तरह इसको निकालना है। फिर धो के हम इस दूसरे बर्तन में इसको डाल देंगे। फिर ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इन आम को साफ करने के बाद आपको आगे बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आम को धो के इनका ऊपर का छिलका निकाल के अब ये सुखा के तैयार कर लिया। अब मैं इनको छोटे छोटे पीसों में काटूंगी। देखिए फ्रेंड, इस बीच वाले हिस्से को निकाल देंगे। थोड़े से आम में कोआ बन गया, तो थोड़े सख्त हो गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अपने हिसाब से आप पीस बना देना। मैं इतने छोटे छोटे पीस बना रही हूँ इनके। ये देखिए फ्रेंड्स, इतने पीस करके, छोटे छोटे पीस बना के काट के मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आम को पीसेस में काट के तैयार कर लिया है। ये देखिए, मैंने छोटे छोटे पीस किया। आप अपने हिसाब से पीस काट सकते हैं, कोई बड़ा पीस पसंद करता है। मेरे को इस साइज का पीस अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इन्हें धूप में सूखना डालूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन्हें पीसेस में काट के धूप में सूखना डाल दिया है। एक धूप, पूरा दिन धूप लगाने के बाद मैं शाम को इस अचार को मिलाऊंगी। फिर बताऊंगी क्या क्या इसमें ऐड करना है हमने। फ्रेंड्स, अचार बनाने के लिए एक कटोरी मेथी दाना, इसको मैं थोड़ा सा भून लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भून के तैयार। एक कटोरी इसमें अजवाइन, पहले हमने मेथी भून के निकाल ली। अब ये मीठी सौंफ, कड़वी सौंफ और अजवाइन, ये भी हम थोड़ी से हल्के हाथों से इनको भून लेंगे।
ज्यादा नहीं भूनना इनको फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ी सी काली सरसों ये देखिए फ्रेंड्स, और थोड़ी सी अचार में चिरौंजी, इसको फ्रेंड्स चिरौंजी बोलते हैं, ये भी अचार में डलती है, और ये सरसों, इसको भी मसाले के साथ हम इकट्ठा पीस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने कढ़ाई में तेल गरम करके रखा हुआ है, ये देखिए फ्रेंड्स इन्हें भी हमने सुखा के रख लिया है, ये देखिए। अब हम इसमें भी इसको भी आपस में मिला देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहले तो मैं अपनी घर की पीसी हुई लाल मिर्च डालूंगी। ये देखिए अपने घर की पीसी हुई लाल मिर्च डालूंगी, फिर इसमें लाल देगी मिर्च इसको ऐड करूंगी, फिर इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूंगी, फिर इसमें पीसे हुए मसाले जो मैंने इकट्ठे पीस के रखे हुए हैं वो मसाले इसमें ऐड करूंगी। मसाले में फ्रेंड्स इसमें मैंने मेथी, कड़वी सौंफ, मीठी सौंफ, अजवाइन, काली सरसों और चिरौंजी यूज की हुई है, और लाल देगी मिर्च, अपने घर की मिर्च, हल्दी, नमक, स्वादानुसार नमक, नमक हमेशा आम के अचार में ज्यादा डालना चाहिए, और आप ज्यादा खट्टा अचार पसंद नहीं करते हैं तो मीठा अवश्य डालें अचार में, और सरसों का तेल डालना हो तो उसे प्लीज गर्म करके रखें फिर डालें, कच्चा तेल टेस्ट में अच्छा नहीं होता है। ये देखिए फ्रेंड्स इसमें एक कटोरी में नमक की ऐड करूंगी, और हम खट्टा अचार नहीं खाते, हम मीठा अचार खाते हैं, हमें ज्यादा खट्टा चाहिए तो मैं इसलिए इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन एक कटोरी चीनी की है। ये देखिए फ्रेंड्स इसमें मैंने, देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें एक कटोरी सरसों के तेल की डाली है, अब मैं इसको अच्छी तरह मिलाऊंगी, फिर मिलाने के बाद आपको इस अचार का बताऊंगी। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है अचार, देखिए फ्रेंड्स हमारे घर में पहले से ही इसी तरह का अचार बनता है, चाहे आप कितने साल रख रखें अचार को, अचार खराब नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आप भी इस अचार के लिए ट्राई अवश्य करें, और देखिए फ्रेंड्स मेरा ये आम का सिट्टे वाला अचार, ये देखिए मैंने कल इसे मसालों के साथ मिला के रखा हुआ था, ये देखिए ये मैंने इसमें मसाले डाल के रखा हुआ था। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें थोड़ा पानी दिख रहा है, ये पानी आम का ही है, तो मैंने इसे इसलिए रख छोड़ा था क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, आम थोड़े सॉफ्ट हो जाए, ये देखिए नरम पड़ गए आम। अब मैंने डिब्बे में भर दूंगी, अब मैं इन आमों को डिब्बे में भर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स मैंने ये डिब्बा ले रखा है, इसमें मैंने डिब्बे में तेल डाला हुआ है, सरसों का तेल डाला है, देखिए ये प्लास्टिक का डब्बा मैंने ले रखा है, आप हो सके तो शीशे का मृदवान रखें। अब मैं इस अचार को इस डिब्बे में पलट दूंगी, ये देखिए फ्रेंड्स पूरा चार डिब्बे में डालने के बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे पूरे डिब्बे में भर दिया है क्योंकि अचार थोड़ा ज्यादा था, ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है,
इसमें मैंने चीनी भी डाली हुई है, खट्टा मीठा अचार बनाया हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी अचार की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना, और फ्रेंड बेल आइटम जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड्स आप तक पहुंचे। धन्यवाद, बाय बाय।